नवगछियान मंडल के रंगरा के एक वृद्ध दंपति ने कलभर्ट को बनाया अपना आशियाना। प्रशासन बेखबर। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ वरुण बाबुल। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, कुछ ऐसा ही किया रंगरा के गरीब बेसहारा वृद्ध दंपति ने। गरीबी और इस भीषण ठंड से बचने के लिए कलभट्ट को ही अपना रहने का आशियाना बना लिया। रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव निवासी वृद्ध दंपति डोमन मंडल और उनकी पत्नी बतासो देवी ने NH 31 कुमातपुर चौक से रंगरा ओपी जाने वाली सड़क मार्ग में पड़ने वाले छोटे से कलभट को ही जिंदगी जीने के जहोजद में अपने रहने का ठिकाना बना लिया। वृद्ध दंपति दिन तो जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन जब रात होती है और पूष की रात अपनी ठंड की चादर फैलाती है तो ठंड से बचने के लिए एकमात्र कलभट ही इनका सहारा बन जाता है। बतासो देवी ने बताया कि उसके पास मात्र 4 डिसमिल जमीन है, घर नहीं है, जिससे कलभट को अपनी नियति मान कर जिंदगी बिताने को यहाँ मजबूर है। और यह भी शिकायत किया कि मुखिया या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा उन्हें अब तक इंदिरा आवास या किसी भी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण मजबूरी में इन्हें रात कलभट के नीचे गुजारना पड़ रहा है, जबकि कलभट का पूर्वी भाग क्रैक हो चुका है। ऐसे में हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। बताते चलें कि इन्हीं सड़कों से होकर रोजाना दर्जनों बार रंगरा पुलिस की गाड़ियां गुजरती है। रात में जब कलभट के ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो सहसा ही इनके नीचे रह रहे वृद्ध दंपति की नींद टूट जाती है। फिर ये दोनों कभी अपनी किस्मत को तो कभी अपनी गरीबी को कोसते रात गुजार लेते हैं। अलबत्ता कि प्रशासन को अब तक इसकी खबर नहीं है। देखें खास खबर अंजनी कश्यप के साथ जीएस न्यूज पर। क्या नाम है पति का? नाम कौन सी? डोमन मंडल। घर? यहाँ कब से रह रहे हैं कलभट में? 5 सालों से। काहे यहाँ रहते हैं? जमीन नहीं छे। घर उर ना है? इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक? कितना जमीन है अपना? 4 डिसमिल। अच्छा, यहाँ रहते हैं तो दिक्कत भी बुझाता है ना, कलभट के नीचे रह रहे हैं, गाड़ी उड़ी जाती आती है? जी सर, वो डोमन मंडल और उनकी पत्नी बतासो देवी कलभट के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। उनका आरोप है कि सरकारी व्यवस्था के तहत उन्हें आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, जिसके कारण मजबूरी में वो उन्हें इस ठंड में जान बचाने के लिए कलभट के नीचे रहना पड़ रहा है। डोमन देवी और ये महिला है, ये लोग NH के साइड में अपना दुकान किए हुए हैं जी, और दुकान के चलते ही वो लोग वहीं पर रहते हैं जी जी। इन लोगों के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं अंचल कार्यालय को प्राप्त है कि हमको भूमिहीन है और हमको जमीन दिया जाए। ऐसे पूछताछ के क्रम में पाया गया कि वो रंगरा का वासी है जी, और वहाँ उसका अपना घर है जी, दुकान के चलते वो जाता है वहाँ पर। अच्छा अच्छा जी, ठीक। संघ में इसका आवेदन प्राप्त होता है तो इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा जी, उन्हें लाभ मिल सकता है। हाँ हाँ जी, अगर वो भूमिहीन है तो उसके लिए भूमि खोज करके उपलब्ध कराया जाएगा जी। भागलपुर नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के
के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी, नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 88093-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर।